सिस्टम को लागू किया है यूनिवर्सिटी के टीचर्स अपॉइंटमेंट में। दो साल पहले इन्होंने यूजीसी गेजेट नोटिफिकेशन 2016 लागू करके स्टूडेंट्स के बीच में आरक्षण को खत्म किया था। मोदी सरकार जब से आया है तब से वो निशाना ढूंढ रहा था कि हमारे संविधान को कैसे खत्म किया जाए, तो उसके लिए मोहन भागवत जी ने बिहार में निशाना बनाया था, रास्ता दिखाया था कि आरक्षण को खत्म कीजिए, आपकी संविधान खत्म हो जाएगी और हमारा ब्राह्मणवाद और हमारा मनुवाद स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, जो भाजपा सरकार दो दिन पहले जिस आधार जजमेंट को कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिस आधार को, उसके लिए अध्यादेश ला सकता है, आप सोचिए कई महीनों से सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है आरक्षण, हमारा सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको लागू करने के लिए आप 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कीजिए, अध्यादेश लाइए। जावड़ेकर जी कहते हैं हम अभी ला रहे हैं। पहले उनसे सवाल पूछना चाहिए 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू कैसे हुआ। आप क्या रहते हुए मोदी जी अपने आप को सामाजिक न्याय के ठेकेदार बताते हैं, अपने आप को ओबीसी का नेता बताते हैं और वो बताए कैसे 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू हुआ। मैं बताऊं, क्योंकि आरएसएस ने बोला था कि लागू कीजिए, क्योंकि महाभारत में ये था कि वहां का द्रोणाचार्य ने अंगूठा ही लिया है, आप जी भी ले लीजिए ताकि कोई लड़ ना सके, कोई द्रोहित वेमुला के लिए बोल ना सके, कोई नजीब के लिए जेएनयू में इस देश में लड़ ना सके, और आदिवासियों को जंगल से हटा देंगे, अदानी अंबानी को हम पूरा जंगल दे देंगे ताकि उनके लिए लड़ ना सके। इसीलिए पूरे साजिश के साथ ये सोच समझ के अपने कानून व्यवस्था को और अपने न्याय व्यवस्था को यूज करते हुए इस सरकार ने याचिका ऐसे डाली कि वो खारिज हो जाए और अपील ऐसा डाला कि खारिज हो जाए। अरे भाई, जब आपको जीतना होता है आपका तुषार मेहता लड़ता है जज से, जब आपको हारना होता है आपका जज भाग जाता है, ये बताते साफ तौर पे कि आपका निशाना क्या है, ये अब होने नहीं जा रहा है। आपको अध्यादेश लाना ही होगा, नहीं लाएंगे हम ऐसा सरकार को लाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा, अध्यादेश उससे लाएंगे और 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू कराएंगे। अगर आप लाए तो आपसे भूलेंगे नहीं कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को, सामाजिक न्याय को, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या कराने वाले दिन भर यही सोचते रहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को कैसे खत्म करें, उनको आप छोड़ने नहीं जा रहे। यंग इंडिया भी आपकी साजिश को देख चुका है कि निजीकरण एक तरफ कर रहे हैं आप, एक तरफ यूनिवर्सिटीज को बेच दे रहे हैं और दूसरे तरफ जो खाली पद है उसको भर नहीं रहे। तो जहां पे आरक्षण आपको लागू कर सकते हैं, 24 लाख जो खाली पद केंद्र सरकार में पड़े हुए उसको आपने भरा नहीं है। इसीलिए इस पूरे तमाम गोलबंदी को आप समझिए, मोदी सरकार के इस पूरे नीति को समझिए। अभी मैं ऑटो में आ रहा था, ऑटो वाले साथी बंगाल से थे, उन्होंने पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने बोला ऐसा ऐसा चीज हुआ है, मैं 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ के आंदोलन में जा रहा हूँ। अरे आप मोदी जी को मोदी जी मत बुलाइए, वो मजनू है। मैंने पूछा क्यों आप मजनू बुला रहे हो उसको, वो बोले है ये मजनू है उस ब्राह्मणवादी ताकतों का, ये मजनू है उस अदानी अंबानी का, ये मजनू है उन बड़े ठेकेदारों का जिसके लिए दिन भर ये काम करता है, जैसे जियो यूनिवर्सिटी खोल देता है, जैसे सीटों को खत्म कर देता है, आरक्षण को खत्म कर देता है, और खुली लूट और खुली झूठ इसको जब पकड़ लेते हैं तो नफरत फैलाता है। तो मत छोड़िए इसको, अभी चुनाव आने जा रहा है, बस वोट से नहीं बल्कि हम लोग एकजुट होते हुए तमाम विचारधारों के बदौलत हम एकजुट होते हुए अपने देश को और हमारे अधिकार को बचाएंगे। पहला कदम उसका 200 पॉइंट रोस्टर के लिए ऑर्डिनेंस लागू ला के बता के हम लड़ेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आयोजित किया है ये रैली इस सपोर्ट में कि इस देश में जिस तरह का जातिवाद चल रहा है, जो हमें 1947 के बाद भी जो कॉलोनियल ताकतें चली गई, लेकिन कॉलोनियल ताकतें जो हमारे देश के अंदर पहले से सदियों से चलती आ रही हैं जातिवाद के थ्रू, वो कॉलोनियल ताकतों को कब हम हराएंगे, कब उस मानसिकता को हराएंगे जिसका शिकार हम सब एक तरह से हैं, जो इस देश को एक प्रिजन में रखी हुई है, हमारी जनता को उसके हक नहीं मिल पा रहे। साथियों, हमारे देश में बहुत सालों से संविधान, बहुत ही बेहतर संविधान बनने के बावजूद हमें जो बराबर का हक हमारे 85% 90% जो हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला है, और वो जो शिक्षा में इनको लाने की जरूरत थी वो बहुत देर में हमारा जो रोस्टर बना 200 पॉइंट रोस्टर, जिसमें हमने
अलग अलग परसेंटेज संविधान में दिया हमारे दबे कुचले तबके को, जो पीछे रह गया था, वो कभी ठीक से लागू नहीं किया गया। और धीरे धीरे जब लोग आना शुरू हुए, स्टूडेंट्स आना शुरू हुए, टीचर्स बहुत बाद में आना शुरू हुए, तो उसको खत्म करने की साजिश बनने लगी। साथियों, साथ साथ जो जिस तरह की देश की जो पूंजी है, हर तरह की पूंजी देश की जो बेची जा रही है, जो वो मनुवादी जो कॉलोनियलिज्म है, वो जो पूंजीवादी कॉलोनियलिज्म के सर्विस में, गुलामी में ये सारा काम कर रही है, उसकी नजर हमारे जंगलों पे, हमारी जमीन पे है, जो मिनरल्स उस जंगलों के नीचे जमीन में है उस पे है, और लगातार हमारे ट्राइबल्स के खिलाफ जंग चल रहा है, कभी ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से, कभी किसी और बहाने से, और जो जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको जेल में बंद कर देते हैं। जैसे हमारे अपने टीचर डॉक्टर जी एन साई बाबा, वो इनके हक में आवाज उठाते थे, उनको उम्र कैद दे दी गई है, इतने सारे आदिवासियों को जेल में बंद करके रखा हुआ है, इतने सारे उनके डिफेंड करने वाले जो वकील हैं, उनको भी जेल में बंद कर दिया है। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके लिए आवाज उठाए, ताकि ये लूट चलती रहे साथियों। और इसलिए जो पढ़े लिखे जो लोग आगे आ सके, आ गए हमारे गरीब तबकों, हमारे दबे कुचले तबकों से, जैसे भीम आवी के हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं और जिग्नेश भवानी हैं, इन लोगों के ऊपर खास अटैक होता है, ताकि बोलने के लिए, लड़ने के लिए, समझने के लिए, वकालत करने के लिए कोई ना बचे, इसलिए आपको शिक्षा से वंचित किया जाए। और साथ में अब फैकल्टी में, टीचर्स में, शिक्षकों में आप नहीं घुसने दें, और जितने आए उनको बाहर कर दें। इसके इससे आपकी जो मानसिकता है, हमारे स्टूडेंट्स की मानसिकता है और समाज की मानसिकता है, वो कभी ना बदले। साथियों, इस साजिश को हमें समझना है कि क्या कर रही है सरकार चार सालों से जब से आई है, और इनको हम एक चेतावनी देते हैं डूडा की तरफ से कि अगर कल कैबिनेट मीटिंग में ये अध्यादेश नहीं लाए जो वादा करते आए हैं, तो इनको फेस करना पड़ेगा सबसे बड़ा मुद्दा आगे वाले इलेक्शन में, ये बनेगा कि देश की जनता के खिलाफ जो ये सरकार जंग चला रही है, देश के अंदर जो जंग चला रही है बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी हमारे ऊपर थोप के, शिक्षा हमसे छीन के, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, और जो मजदूरों के खिलाफ पूरा जंग चल रहा है, किसानों के खिलाफ जंग चल रहा है, जो देश के जनता के खिलाफ जंग चल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम कभी गद्दी में नहीं बैठने देंगे, उनको उखाड़ के फेंक देंगे, ये उनको समझ लेना चाहिए। आज समाज का हर वर्ग का आदमी जय भीम बोलता है और बाबा साहब अम्बेडकर पर विश्वास करता है, एक सामाजिक परिवर्तन है जिसके लिए पूरे देश के अम्बेडकर वादियों को मैं बधाई देता हूँ। अभी फरवरी में मिले थे, लाखों लोगों की रैली यहाँ पर थी, उम्मीद थी कि सरकार परिवर्तन करेगी, ऑर्डिनेंस लाएगी और ये 13th Poll Master को वापस करेगी। अफसोस ये है कि बहुत सारे ऑर्डिनेंस ला करके बहुत सारे परिवर्तन सरकार ने कर दिए, लेकिन गरीब ओबीसी, गरीब एससी, गरीब एसटी समाज की आवाज को सुन करके सरकार अभी तक ऑर्डिनेंस नहीं लाई है। मैं एक डिस्कशन आपके सामने शेयर करूंगा, पिछली बार भी मैंने शेयर किया था, 7 अगस्त को हम लोगों को महासंघ के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा, रामलाल जी जो संगठन मंत्री है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी, अर्जुन मेघवाल साहब, इन सभी लोगों ने हमको बातचीत के लिए बुलाया था और कहा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके खिलाफ आएगा तो हम आपको आरक्षण देंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। सरकार को मैं सरकार का वादा याद दिलाना चाहता हूं कि अब आप ऑर्डिनेंस ला करके आज या कल में इस 13th Poll Master को वापस करिए, नहीं तो आज ये जंतर मंतर का ही नजारा नहीं है, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पे आज यही नजारा है, सभी जगह प्रदर्शन दिए गए हैं। अगर इस आंदोलन को काम तक घर घर तक पहुंचाना सरकार चाहती है या उससे अगर पचड़ना चाहती है तो सरकार को आज और कल में ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से मैं टूटा के सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त करता हूं कि तन से मन से धन से इस आंदोलन में महासंघ आपके साथ था, है और रहेगा।